उठो चराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी कि ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। आंखें और दोनों कान खुले रखो, एक एक पल की खबर चाहिए हमें। लेकिन जीजा वो जितना कहा जाए बस उतना ही करो। जा सकते हो जी। गुस्सा करके क्यों अपना खून जला रहे हो? खैर मनाओ के सस्ते में छूट गए, वरना बड़े साहब को पता चल जाता ना कि सरपंच जी का खेल तुमने बिगाड़ा है तो जान के लाले पड़ जाते। क्यों भाई मुंशी, अभी तूने मेरे लिए झूठी गवाही दी तो तेरे पैर पकड़ करके शुक्रिया अदा करूं? अरे नहीं मंगत भैया, बड़े साहब का नमक खाया ना तो आपकी शागिर्दी भी की है। हाँ बस इतना ही कह रहा हूं कि दुखी मत हो। क्या दुखी नहीं हूं? बड़े साहब के कहने पर अपनी लुगाई को जेल भेज दो। मैं मानता हूं कि मेरी लुगाई मेरे कहने पर नहीं जलती, पर है तो मेरे बच्चों की मां, मेरी औरत। कहना भी सही है पर बुरा मत मानना। अगर मर्द लुगाई के पल्लू से लगा रहे ना तो हो गई तरक्की। हो गई तरक्की? बड़े साहब के कहने पर पैसे के लेन देन का झूठा इल्जाम लगा के अपनी लुगाई को जेल भिजवा दूं? हैं? बड़ी तरक्की के लिए बड़ा कदम तो उठाना होगा मंगर भैया। बड़े साहब को ही लो, अपने काम की खातिर अपने भाई की बेटी का अपहरण करवा लिया और जिसे बेटा कहते थकते नहीं ना, अभिमन्यु उसे भी अपने बहन की जान की धमकी दे दे के नचा रहे हैं वसीयत की खातिर। अब बोलो ये कलयुग है मंगत भैया, कलयुग। यहां लंका को जलाने के लिए राम को भी रावण बनना पड़ता है। हाँ। पिकनिक पे तो कल मजा ही आ गया, मैंने तो 5 तरह के उड़ने वाले कीड़े पकड़े। मुझे 3 दिखे थे, एक मक्खी बच के चली गई, नहीं तो 4 हो जाते। पर दिव्या दीदी का हवाई जहाज वो कैसे आसमान में उड़ते हैं ना? अबे अंधा है क्या? माफ कर दीजिए चाचा, देखा नहीं। देखा नहीं या दिखता नहीं, सारा सामान गिरा दिया। अरे रहने दे नालायक, बदतमीज कहीं के। ऐसे क्यों बोल रहे हो चाचा, माफी मांगी तो राजू ने, लो मैं भी मांग लेता हूँ। बड़ा आया माफी मांगने वाला, चल हट। सरपंच जी की रैली निकलने वाली है इस रास्ते से, अपने अपने रास्ते निकलो, चलो भागो यहाँ से। अरे वो पोस्टर और बैनर लगवा दिए भाई। हाँ हरो, तुम लोगों को शर्म वरम है कि नहीं? क्या बोल के गया मैं अभी? चाचा वो बस्ता गिर गया था इसका,
वो अरे चाचा के बच्चे, इसके माँ बाप का दिमाग चढ़ गया है क्या है? हाथ में लोहे का लक्कड़ थमा के भेज देते हैं स्कूल। अगर चलने में तकलीफ होती है तो घर में ही बिठा के रखो इन्हें। ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसमें इसका क्या दोष? देख रही मास्टर नहीं, जुबान ना लड़ा मुझसे। इसकी ये लोहे की सोटी उठा, ये बस्ता उठा और रास्ता नाप यहाँ से। रैली आने वाली है। देखो चाचा, कब से बुरा भला बोल रहे हो तुम? हाँ बोल रहा हूँ और बोलूंगा। क्या कर लेगा तू? आप बड़े हो तो क्या कुछ भी बोलोगे? हाँ बोलूंगा, तुझे बोलूंगा, इस लंगड़ी को बोलूंगा, इसके बाप को बोलूंगा। क्या कर क्या लेगा तू? चुप कर जाओ चाचा, इसका नाम तारा है और ये मेरी। छोड़ ना भुजंग, चल चलते हैं। अरे तारा हो या सितारा हो, अबे वो गेंडे मोटे, इसका बस्ता उठा लिया ना, चल निकल यहाँ से जल्दी से। चाचा भुजंग, हट, क्या हो रहा है ये? हट, छोड़। क्या हो रहा है ये सब? क्यों तूने चाचा की कमीज पकड़ी? शर्म नहीं आती है? अरे मास्टर को बुला, मास्टर को, यही सिखाए इन बच्चों को। बदतमीज 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 तो आप हो भुजंग। मंगला दी, इस आदमी ने तारा को बहुत बुरी बुरी बातें बोली हैं। भली चुटकी से पूछ लो। तो तू क्या दरोगा लग रहा है यहाँ का? पर चाचा ये तो बताओ हुआ क्या? हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हें गवाही देने को। सरपंच जी की रैली आ रही है इस रास्ते से, चलो चलो हटो यहाँ से, चलो हटो, रास्ता खाली करो। देखा दीदी कैसे बोलते हैं ये? दरअसल दीदी गलती मेरी है, मैं ठीक से चल नहीं पाती तो मेरा बस्ता गिर गया और देर हो गई तो चाचा नाराज हो गए। अरे तो ये सब तूने कोई जानबूझ के थोड़ी किया है, ये आम रास्ता है, लोग आएंगे जाएंगे ही। अगर रैली निकल रही है तो आना जाना तो नहीं बंद कर देंगे ना? ज्यादा कानून मत भगाड़ो, जल्दी से ये रास्ता छोड़ो बस। आ जाते हैं प्रवचन देने। सरपंच जी भी ऐसा नहीं करेंगी। अरे सरपंच जी क्या बोलेंगी क्या नहीं, ये तू कौन होती है बोलने वाली? अरे औकात में रहा, औकात में, उनके साथ बैठ के ज्यादा पर निकल आए हैं। परले टोले किए ना, वहीं पर दिखाना अपनी ये नेतागिरी। टोला ये गांव भी मेरा है। अरे गांव तेरा है तो क्या 20 सड़क पे कुंडली मार कर बैठेगी? अरे क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं, समझा रहा हूँ, समझ नहीं रही, भाषण दे रही है। और ये छोरी लंगड़ी। चाचा भुजंग छोड़। ये सब तुम क्या कर रहे हो? सरपंच जी की रैली इसी तरफ आ रही है। अरे इतनी देर से मैं भी तो यही समझा रहा हूं, लेकिन इन कम अकलों की समझ में नहीं आ रहा है। मुरारी भैया, महेशी चाचा बेकार की बात पे लड़ाई कर रहे हैं। अरे भाई ये महेशी सही तो कह रहा है, रैली आ रही है तो सड़क खाली करानी पड़ेगी कि नहीं? खाली कर दे, गाँव की सड़क है, किसी के बाप की जागीर नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा महेशी भैया। देखो हम लड़ाई नहीं करना चाहते। अभी सरपंच जी आ रही है, मैं उनसे बात करती हूँ। सरपंच जी आ गई। फूलवती जिंदाबाद, फूलवती जिंदाबाद, फूलवती जिंदाबाद, फूलवती जिंदाबाद, फूलवती जिंदाबाद, फूलवती जिंदाबाद। हमारी सरपंच कैसी हो? फूलवती जिंदाबाद, फूलवती जिंदाबाद। क्या बात है? कुछ नहीं सरपंच जी, हम तो रैली की तैयारी में लगे थे और ये नालायक बच्चे यहाँ से हटते ही नहीं।
पहली बात तो ये बच्चे नालायक नहीं है। बहुत होशियार है। सरपंच जी, महेशी चाचा ने हम सबको बहुत बुरा भला बोला। तारा को डेढ़ टांग वाली, अपाहिज, लंगड़ी और न जाने क्या क्या नहीं बोला। और मंगला दी से भी बहुत बुरे तरीके से बात करी। और भुजंग को मोटा, गेंडा, ये सब बोला। बकवास बंद करो। अरे भैया, इतना क्यों बोल रहे हो? थोड़ा ठंडे दिमाग से बात करो। गुस्से में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। ये आम रास्ता है, गांव का रास्ता है और हर आदमी को इस पर चलने का हक है। रैली हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस सड़क पर कोई नहीं चलेगा। और जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है कि इसमें सबसे पहली गलती मेरी है। आपकी? हाँ मुरारी, शायद महेशी को और बहुत से लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि सरपंच चाहती है कि जब रैली निकले उस वक्त इस सड़क पर कोई भी ना चले। और शायद मुझे लगता है कि मैंने भी इस बारे में अपनी राय इन लोगों तक नहीं पहुंचाई। इसीलिए सबसे पहले मैं इन बच्चों से माफी मांगती हूं। मुझे माफ कर दो बच्चों, तुम्हें तकलीफ हुई, तुम्हें बुरा भला कहा, इसके लिए मुझे माफ कर दो।